गाइस दिस इज डेली डोज। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी यूआरएल या लिंक का आप क्यूआर कोड कैसे जनरेट करें, कैसे उसका क्यूआर कोड बनाएं, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन है किसी वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट का जो यूआरएल है वो काफ़ी लंबा है और वो आपने कहीं चिपकाना हो या किसी को उसके बारे में बताना हो। तो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं अपने किसी जगह पे चिपकाना हो ताकि उस काफ़ी लोग उसको स्कैन करें, काफ़ी लोग उस वेबसाइट के ऊपर जा सकें और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकें, तो क्या है कि अगर आप वो लिंक दोगे तो वो लिंक काफ़ी लंबा हो जाएगा और लोगों को कैसा टाइप करना पड़ेगा, जैसे https://www.247menu, तो ऐसे लिंक होगा तो क्या है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों से कोई सिंबल की गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि आप क्या करोगे, जबकि आप उसका एक क्यूआर कोड बना के उसको उस जगह पर चिपका दोगे तो वो डायरेक्ट आपके जहाँ आप उनको पहुँचाना चाह रहे हो जिस वेबसाइट पर और जिस यूआरएल के ऊपर, वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये बिल्कुल ईजी स्टेप है। या फिर हो सकता है कि जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपने कहीं देनी हो वेबसाइट की, जो इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी भाई आपकी कोई जिम है, उसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर आपने ये पढ़नी है तो आपने इसके ऊपर जाना है, इस ये हमारी वेबसाइट है अपनी gym.com फिर स्लैश फिर आगे कुछ फिर टर्म एंड कंडीशंस। तो ऐसा अगर कोई कस्टमर टाइप करेगा तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप क्या करोगे, उसका क्यूआर कोड बना दोगे और वहाँ पर चिपका दोगे। अगर कोई भी कस्टमर आएगा उसको स्कैन करेगा, स्कैन करते ही वो आपकी वेबसाइट के उस टर्म एंड कंडीशन वाले पेज के ऊपर लेके जाएगा और वो वहाँ पे इजीली पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये अगर ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप से जिस भी चीज़ के लिए आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो। किसी भी यू आर लिंक का जो वेबसाइट है उसको अगर आपने क्यू आर कोड कैसे जनरेट करना वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पहली जो अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये है हमारी 247 का जो मेन्यू है, इसका हमने क्यू आर कोड बनाना है कि ताकि कोई भी इसको स्कैन करे और सीधा इस मेन्यू के ऊपर पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं मेन्यू, आप देख सकते हो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके। ठीक है, तो हमने इस जो पूरा जो ये यू आर एल है इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब हमने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जहाँ पे हम टोटली फ्री में क्यू आर कोड जनरेट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, theqrgenerator.com, और एंड इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे ये यूआरएल यहाँ पे टाइप कर देना है, यूआरएल पे आके पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे आप पीएनजी में इसको सेव कर लें और इसके बाद इसका नाम है वो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 4x2 रख दिया तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं आगे इसको स्कैन करके दिखाता हूँ और ये मैं वहीं पर लेके जाएगा। ठीक है, तो वेट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था जैसे आपने देखा होगा, तो मैं इसको दूसरे फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो चुका है और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये पूरा बड़ा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेरे पास दूसरा फ़ोन है, इसमें मैं स्कैनर ऐप को ओपन करता हूँ और देखता हूँ ये मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करता है। तो ये जैसे कि आपने देखा था 24 menu 7 उसी के ऊपर लेके आ गया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यह मुझे उसी मेन्यू के ऊपर लेके आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल तो दोस्तों, अगर आपको भी कहीं पे भी यूआरएल है जो आपके पास, उसको स्कैनर बनाना हो तो बिल्कुल इजी है। अगर आपको इसको कहीं चिपकाना भी हो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। तो देखो ये मुझे उसी वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, हम इसी वेबसाइट पे थे क्योंकि ये जो मेरे पास अभी खुल रहा है ये फ़ोन का, और जो जैसे कि लैपटॉप और जो फ़ोन का जो ब्राउजिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि जो स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, तो उसी पेज के ऊपर मुझे लेके आ गया। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो, ये क्यूआर कोड बना सकते हो जिस भी पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना हो। तो ये प्रोसेस है, कोई भी जो आपके पास वेबसाइट का यूआरएल है, वेबसाइट है, उसका आपने क्यूआर कोड जनरेट करना हो तो ये प्रोसेस है, बिल्कुल ईजी है। आई होप आपको समझ आएगा। अगर अभी भी कोई इश्यू हो तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम का मैंने हैंडल दिया, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।